अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम सिंपली पीसीआर भी कहते हैं। हम जीन क्लोनिंग को स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने ये कहा कि हम किसी भी डिजायर्ड जीन का नंबर एम्पलीफाई कर सकते हैं और उसके लिए हम दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उनमें से एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम इन वीवो तरीके से किसी भी जीन की एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, और दूसरा जो टेक्निक यूज़ होता है जीन क्लोनिंग के लिए वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम मशीन के अंदर यानी कि इन विट्रो तरीके से कोई भी डिजायर्ड जीन के क्लोन्स बना सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जितने भी कंपोनेंट्स या टूल्स यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान में, तो उसको भी हमने स्टडी कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। PCR is automated rapid technology of in vitro DNA amplification. क्योंकि ये process machine के अंदर हो रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये automatically perform हो रहा होता है। Rapid technology है मतलब कि जल्द ही कुछ ही time के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा clones बन जाते हैं, और in vitro है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं बल्कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रहा होता है, मशीन के अंदर हो रहा होता है, इसलिए हम इसको इन विट्रो डीएनए एम्पलीफिकेशन कहते हैं। और एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है नंबर बढ़ा देना, नंबर इंक्रीज कर देना। तो इस टेक्निक के ज़रिए हम सिंगल या फ्यू डीएनए के पीसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू थाउजेंड या मिलियन कॉपीज़ या क्लोन्स में। तो ये जो टेक्निक है इट वाज डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलस, जो कि एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट था। उसने 1983 में ये टेक्निक डेवलप की थी, और जब ये टेक्निक डेवलप हो गई थी तो उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई थी। तो इसी बात के लिए कैरी म्यूलस को केमिस्ट्री के फील्ड में 1993 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डेफिनेशन को समझ लिया कि हम इस तरीके से जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं, उसमें हम मशीन का यूज़ करते हैं, हम ऑटोमेटिकली किसी भी डिज़ायर्ड जीन की एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। अब हम कंपोनेंट्स या वो फैक्टर जो कि हमें इस टेक्निक के दौरान में चाहिए होते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर को स्टडी करते हैं। उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है टेम्पलेट या टारगेट डीएनए। इट इज़ द पीस ऑफ डीएनए टू बी क्लोन्ड। जिस भी जीन की आप क्लोनिंग करना चाहते हो तो वो जीन एज अ टेम्पलेट आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जो क्लोन्स हैं तो वो उसी पर्टिकुलर टेम्पलेट डीएनए के अकॉर्डिंग बन रहे होते हैं। तो ये जो टारगेट जीन है ये कोई यूज़फुल जीन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी ह्यूमन जीन के अकॉर्डिंग कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले आप उस जीन को ह्यूमन सेल से आइसोलेट कर लोगे, फिर उसको प्योरीफाई कर लोगे, और फिर उसका नंबर एम्पलीफाई कर दोगे पीसीआर के थ्रू, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है तो वो हासिल करोगे। ये जो टारगेट डीएनए है ये डीएनए हो सकता है किसी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोन्स हैं। तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, इनकी हम नॉर्मल डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए पहले हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का नंबर एम्पलीफाई कर लेते हैं और फिर हम उसकी डिटेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये हमने स्टडी किया टेम्पलेट या टारगेट डीएनए के बारे में। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट को स्टडी करते हैं, दैट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट, जिनको हम सिंपली DNTPs कहते हैं। तो ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं ताकि हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को बना सकें, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम कर रहे होते हैं। जो हमने डीएनए के क्लोन्स बनाने हैं तो उन डीएनए के क्लोन्स को बनाने के लिए हमें इन DNTPs की ज़रूरत होती है। ये DNTPs हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। उसमें से हम कहते हैं कि अगर एडेनिन जुड़ा हुआ है तो फिर हम उसको बोलते हैं DATP, अगर उसमें गुआनिन मौजूद है तो उसको हम DGTP कहते हैं, अगर साइटोसिन मौजूद है तो DCTP कहलाता है, और अगर थायमिन जुड़ा हुआ है तो तब हम उस DNTP को बोलेंगे DTTP। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए जो कि हमारे लिए DNA के स्ट्रैंड्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम कंपोनेंट की बात करते हैं, दैट इज़ प्राइमर। और प्राइमर का आपको पता ही होगा कि ये फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स का बेस सीक्वेंस होता है। इसमें तकरीबन 8 से लेकर 24 या 25 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो जुड़े हुए होते हैं, और ये हमने आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया हुआ होता है। हमने डिफरेंट कंपनीज़ को ऑर्डर दिया हुआ होता है कि जो हमारा टारगेट डीएनए है उसका थर्ड एंड पे ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद है, तो इसलिए हमें इस किस्म के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो उसके कम्प्लीमेंट्री कोई प्राइमर डिज़ाइन करके दे दिया जाए, प्राइमर बना कर दे दिया जाए। तो फिर वो कंपनीज़ हमारे ऑर्डर को पिक कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे लिए प्राइमर को बना देते हैं। तो ये जो प्राइमर है ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है,
और हम कहते हैं कि ये प्राइमर हमें इस प्रोसेस के दौरान में चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज़ बना रहा होता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज़ है वो हमेशा अपने काम को स्टार्ट करने से पहले प्राइमर मांगता है, उसके सामने पहले प्राइमर होना चाहिए तो तभी वो काम स्टार्ट करता है। तो ये जो प्राइमर है दे आर रिक्वायर्ड बाई द डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम टू इनिशिएट पॉलीमराइजेशन। और इस प्रोसेस के दौरान में हमें टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स चाहिए होते हैं, एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरे को हम बोलते हैं रिवर्स और बैकवर्ड प्राइमर्स। अब इन प्राइमर्स का क्या काम होता है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इस प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज़ की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए हमें फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स का बेस सीक्वेंस चाहिए होता है, जो कि हमने आर्टिफिशियली बनाया हुआ होता है डिफरेंट कंपनीज के थ्रू। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं दैट इज़ टैग पॉलीमरेज़। ये भी एक कंपोनेंट है जो कि हम पीसीआर टेक्निक के दौरान में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम और ये कैटलाइज करता है द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये एक ऐसा एंजाइम है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी जो डीएनए की सिंथेसिस है तो उसको परफॉर्म कर सकता है। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम विच इज़ फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, एक स्पेशल बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं थर्मस एक्वेटिकस। तो ये उसके अंदर नेचुरली ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है तो उसके लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है, ये बैक्टीरिया गर्म पानी में रहता है, हॉट स्प्रिंग्स में रह रहा होता है। इसी के बेसिस पर हमने इस टैग पॉलीमरेज़ को नाम दिया हुआ है। ये जो टी है ये हमने थर्मस से लिया हुआ है और ये जो ए क्यू है ये हमने एक्वेटिकस के जो फर्स्ट टू लेटर्स है तो उनको यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि जो टैग पॉलीमरेज़ है तो उसको हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, तो उसको हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस और ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर ज़िंदा रहने वाला एक बैक्टीरिया होता है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि हम इस प्रोसेस के दौरान में एक मशीन भी चाहिए होती है और उसको हम बोलते हैं पीसीआर मशीन या हम उसको कहते हैं थर्मल साइक्लर, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा होता है इसलिए हम इसको थर्मल साइक्लर कहते हैं। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ड्यूरिंग वेरियस स्टेप्स ऑफ पीसीआर रिएक्शन, क्योंकि इस मशीन का जस्ट काम यही होता है कि इसने टेम्परेचर को कभी इंक्रीज़ करना होता है और कभी इसको डिक्रीज़ करना होता है। तो जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं यानी कि टारगेट डीएनए हैं या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं या फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स हैं एंड फोर डिफरेंट टाइप के जो GNTPs हैं उनको हम एक ट्यूब में डाल देते हैं और इनकी हम स्पेसिफिक क्वांटिटी डालते हैं हर एक कंपोनेंट की और इस ट्यूब को हम कहते हैं PCR ट्यूब। ये जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में तो इसको हम बोलते हैं PCR मिक्सचर या हम इसको रिएक्शन मिक्सचर कहते हैं। और इस ट्यूब को फिर हम उठा देकर PCR मशीन के अंदर रख देते हैं और PCR मशीन में हम फिर जो भी टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, जो भी प्रोग्राम हमने इस टेक्निक के दौरान में फॉलो करना होता है, उस सारी इन्फॉर्मेशन हम उस मशीन के अंदर पुट कर देते हैं और मशीन को रन कर देते हैं और फिर वो मशीन हमारे टेम्पलेट DNA के अकॉर्डिंग मैनी मैनी क्लोन्स बनाने लगता है। तो ये हमने कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया, अब हम स्टेप्स को पढ़ते हैं जो कि इस टेक्निक के दौरान में फॉलो किए जा रहे होते हैं। PCR के स्टेप्स को स्टडी करते हैं, PCR इन थ्री स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है एनीलिंग और तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। तो आपने इसका जो करेक्ट ऑर्डर है उसको MCQ के लिए इम्पॉर्टेंटली याद रखना होता है। अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो उसके लिए आपको DNA की रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है तो उसको लाजमी समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात की कि ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन जो टेम्पलेट DNA होता है उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और जो दो स्ट्रैंड्स हैं DNA के तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, फिर वो एज अ टेम्पलेट काम करते हैं, फिर जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसके लिए पहले से प्राइमर ऐड हुआ होता है, वो उस प्राइमर के थर्ड एंड पर आकर लिंक होता है और फिर वहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को वन बाय वन ऐड कर रहा होता है और उस टेम्पलेट DNA के अकॉर्डिंग एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक DNA दो DNA में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये जो सारे के सारे स्टेप्स हैं, सेम यही स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो किए जाएंगे, तो इसलिए आपका DNA की रेप्लिकेशन के बारे में कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। पहले हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं फिर इसको तीव्र में पढ़ेंगे। ये हमारे पास कोई भी DNA है, हमने बात की कि कोई यूज़फुल DNA भी हो सकता है, ये किसी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म का भी DNA हो सकता है जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप यानी कि डीनेचरेशन में
हम इस डीएनए को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे, तकरीबन 90 to 95 degree centigrade के दरम्यान में हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस मशीन के थ्रू। तो ये जो टेम्परेचर है ये आपकी बुक में स्पेसिफिकली 94 degree centigrade लिखा हुआ है, इसलिए आपने भी 94 degree centigrade ही लिखना है। लेकिन ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं उस टेम्पलेट डीएनए को। अब हम हाई टेम्परेचर क्यों दे रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उसके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए वो जुड़े हुए हैं, तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो वो टूट जाते हैं और ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो ये इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सिंगल स्टैंड है ये भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा, इसके अकॉर्डिंग भी हमने एक दूसरा स्टैंड बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और इस वाले स्टैंड के अकॉर्डिंग भी हमने दूसरा जो हम स्टैंड है तो वो बनाना होगा। तो ये है डीनेचरेशन का स्टेप, जिसमें हमने टेम्पलेट डीएनए को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए और फिर वो जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स थे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम न्यू स्ट्रैंड्स बनाएंगे। अब दूसरा स्टेप है स्टेप नंबर 2, और इसके लिए हम टेम्परेचर को कूल कर देते हैं। टेम्परेचर तकरीबन 50 या 55 के दरम्यान में रेंज कर रहा होता है और यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा हुआ है 54 degree centigrade। तो इस प्रोसेस में जब हम टेम्परेचर को कूल डाउन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, तो इस प्रोसेस में अब जो प्राइमर है जो इस थर्ड एंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसको हमने आर्टिफिशियली बनाया हुआ होता है कंपनीज के थ्रू, तो जो प्राइमर है वो इस थर्ड एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए के साथ आकर एनील हो जाता है। एनील का मतलब ये होता है लिंक हो जाना, अटैच हो जाना, तो इस सेकेंड स्टेप को हम कहते हैं एनीलिंग स्टेप। यहाँ पे भी प्राइमर आकर लिंक हो जाता है और यहाँ पर भी प्राइमर लिंक हो जाता है, क्योंकि प्राइमर थर्ड एंड के साथ लिंक हो सकते हैं। अब ये वाला जो है ये फॉरवर्ड प्राइमर है क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, और ये वाला जो है तो ये रिवर्स प्राइमर है क्योंकि इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा होता है। जो हमने बात की थी कि हमें 2 sets ऑफ प्राइमर चाहिए, तो ये इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि ये स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में रन कर रहा होता है, यहाँ पे हमें फॉरवर्ड प्राइमर चाहिए, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है तो ये उलट डायरेक्शन में जा रहा होता है, ये 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो प्राइमर ऐड करते हैं तो उसको हम रिवर्स प्राइमर कहते हैं। अब ये हमने एनीलिंग के स्टेप को पढ़ लिया कि टेम्परेचर कूल होगा। कूलिंग इसलिए हमें चाहिए होती है क्योंकि वो जो प्राइमर है वो कहता है कि मेरे लिए टेम्परेचर कूल करो तो तभी मैं वहाँ पर आकर एनील हो पाऊँगा। तो इस प्राइमर की एनीलिंग के लिए हम टेम्परेचर कम करते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है वो है एक्सटेंशन का स्टेप। एक्सटेंशन मतलब यहाँ पर अब पोलीमराइजेशन होगी। अब ये जो प्राइमर है इसके साथ टैग पोलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ जाएगा और जो DNTPs हैं तो उनको उठाता जाएगा, इस वाले स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री ऐड करता जाएगा और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड सिंथेसाइज कर देगा, और यहाँ पर भी टैग पोलीमरेज इस वाले प्राइमर के साथ भी लिंक होगा और यहाँ से भी एक्सटेंशन कर देगा और जो स्ट्रैंड है तो उसको सिंथेसाइज कर देगा। तो ये एक साइकिल की हमने बात कर ली, ये एक साइकिल कम्प्लीट हो जाता है। अब अगर आपने उस मशीन को जितने भी साइकिल्स का नंबर दिया हुआ है तो ये साइकिल जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। उस नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, ये वाला जो डीएनए है ये एज अ टेम्पलेट काम करेगा। अब इसके जो स्ट्रैंड्स हैं तो वो ओपन होंगे, ये वाला जो डीएनए है तो ये भी टेम्पलेट की तरह काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक डीएनए 2 DNA में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जब दूसरा साइकिल कंप्लीट होगा तो जो 2 DNA होंगे तो वो 4 DNA में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से नंबर एम्पलीफाई होता जाता है, नंबर बढ़ता जाता है। तो ये जो इस टेक्निक का नाम है यानी कि पोलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ हम इसको क्यों दे रहे होते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में पोलीमराइजेशन होती है। पोलीमराइजेशन कहते हैं मोनोमर्स का आपस में जुड़ जाना और एक पोलीमर का बन जाना, और ये कौन कर रहा होता है, ये पोलीमरेज एंजाइम कर रहा होता है। और चेन रिएक्शन इसको क्यों कहा, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान में जो प्रोडक्ट है तो वो एम्पलीफाई हो रहा होता है, 2 to 4 बनते हैं, 4 to 8 बनते हैं, 8 to 16 बनते हैं, तो इस तरीके से ये जो नंबर है तो ये डबल हो रहा होता है, इसलिए हम इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमने एक साइकिल की बात कर ली, एंड दीज 3 steps ऑफ थर्मल साइकिलिंग आर रिपीटेड 20 to 40 times टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ कॉपीज ऑफ DNA ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हम तकरीबन 20 to 40 times के लिए यही साइकिल्स रिपीट कर रहे होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर दें इन्हीं नंबर के साथ अपने DNA का जो नंबर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बन जाएंगी। अब हम इन 3 steps को डिटेल में स्टडी करते हैं।
हमने कहा पहला स्टेप है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन जिस तरीके से उसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डीनेचर होगी, मतलब किसी चीज़ का जो स्ट्रक्चर है तो वो चेंज होगा। टेम्परेचर ऑफ द पीसीआर मशीन इज़ राइज्ड अप टू 94 to 95 degrees centigrade। एट दिस टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेसिस, उनकी ब्रेकिंग हो जाएगी, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए टेम्पलेट काम करेंगे फॉर द इनविट्रो डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं तो उनको बनाएंगे। अब यहाँ पे ये बात भी आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड एट दिस स्टेज फॉर लॉन्ग इनफ टू इंश्योर दैट डीएनए स्ट्रैंड्स हैव कम्प्लीटली सेपरेटेड। मतलब आपने ये जो टेम्परेचर देने वाला काम है, जो हाई टेम्परेचर हम दे रहे होते हैं, ये आपने मतलब ज़्यादा टाइम के लिए देना होता है ताकि वो जो स्ट्रैंड्स हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये 1 to 5 minutes के दरमियान तक हो सकती है। अब दूसरा स्टेप है प्राइमर एनीलिंग। अब यहाँ पर प्राइमर आकर जुड़ेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्राइमर के लिए हमें कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, तो टेम्परेचर को कभी बढ़ाना और कभी कम करना ये उस मशीन का काम होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिएक्शन इज कूल्ड टू 50 to 54 degrees centigrade। दिस इनेबल द फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स टू अटैच टू द थर्ड एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए एट स्पेसिफिक कम्प्लीमेंट्री लोकेशन। और इस वाले जो स्टेप है इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 1 minute। तो जो प्राइमर है वो अपने स्पेसिफिक जगहों पर, अपनी कम्प्लीमेंट्री जगहों पर जाकर जुड़ जाता है। लेकिन याद रखना है आपको कि ये जुड़ता कहाँ पर है, ये जो टेम्पलेट डीएनए है उसके थर्ड एंड के साथ जुड़ता है। एक स्टैंड पे भी थर्ड एंड के साथ जुड़ जाता है, दूसरे स्टैंड पे भी थर्ड एंड के साथ जुड़ जाता है। अब फाइनल स्टेप होगा जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन या पॉलीमराइज एक्टिविटी की वजह से जो पॉलीमराइजेशन हो रही होती है। ड्यूरिंग दिस फाइनल स्टेप द हीट इज़ इंक्रीज टू 72 degrees centigrade। और ये काम हम 1 minute के लिए कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे पॉलीमराइज ने काम करना है, और वो पॉलीमराइज है टैग पॉलीमराइज, और वो पॉलीमराइज नेचुरली जिस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, वो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में ज़िंदा रहता है, वो हाई टेम्परेचर में रह रहा होता है। तो ये एंजाइम कहता है कि मैं भी काम करूँगा, बट मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए, मुझे अपने पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जो मशीन है वो उसके लिए टेम्परेचर हाई कर देता है, 72 degrees centigrade तक लेकर चला जाता है। दिस इनेबल द टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स टू द थर्ड एंड ऑफ प्राइमर। अगेन जिस तरीके से हमने कहा कि डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो प्राइमर के किस एंड के साथ जुड़ता है, वो प्राइमर के थर्ड एंड के साथ जुड़ता है, और वहाँ पे लिंक होकर फिर पॉलीमराइजेशन करता है, यूज़ कर रहा होता है डिफरेंट डीएनटीपीस को। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 daughter DNA मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो वो जो न्यू स्ट्रैंड बनता है उसकी क्या डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन होती है 5-3 डायरेक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखने होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एट द एंड ऑफ 1 cycle एक डीएनए 2 DNA में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये साइकिल रिपीट होगा, फिर यही 2 DNA काम करेंगे एज ए टेम्पलेट, और इनको हम यूज़ करके जो नंबर है तो उसको हम कर रहे होते हैं। तो ये हमने पीसीआर के 3 steps को स्टडी कर लिया। थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि इस प्रोसेस में 3 steps होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 90 to 95 degrees centigrade तक, जिसकी वजह से टेम्पलेट डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद प्राइमर की एनीलिंग होती है। प्राइमर एनीलिंग का मतलब ये होता है कि प्राइमर अपनी स्पेसिफिक जगहों पर जुड़ते हैं। तो इस सेकंड स्टेप को हम कहते हैं एनीलिंग, और इसके लिए हमें कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब कि 54 degrees centigrade टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर क्यों कूल किया है, क्योंकि प्राइमर एनीलिंग कूल टेम्परेचर पर हो सकती है। तो जो प्राइमर है वो अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पर आकर जुड़ जाएंगे, एक फॉरवर्ड प्राइमर आकर अपनी जगह पर जुड़ जाएगा और रिवर्स प्राइमर दूसरे स्टैंड के साथ जुड़ जाएगा। कहाँ पर जुड़ते हैं, टेम्पलेट डीएनए के थर्ड एंड के साथ जुड़ते हैं। और जो स्टेप 3 है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे हमें टैग पॉलीमरेज की एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होते हैं, क्योंकि ये नेचुरली जिस टेम्परेचर पर काम कर रहे होते तो वो हाई टेम्परेचर होते हैं। इसलिए हम इसको इसी की नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब 72 degrees centigrade का। ये प्राइमर के साथ जुड़ जाता है, प्राइमर के थर्ड एंड के साथ जुड़ता है और एक्सटेंशन करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। इस तरीके से जो टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसके साथ एक न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ दिस साइकिल
एक डीएनए दो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो होप सो कि आपको इन 3 स्टेप्स की समझ आ चुकी होगी। आसान से स्टेप्स हैं, आपको जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो। Students, now we are going to discuss about the applications of PCR. PCR has application in almost all areas of molecular biology, genetics and clinical areas. जो हमने बात की कि जब PCR की टेक्निक डेवलप हो गई थी तो उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई थी, चेंजेस आई थी। तो अब PCR के एप्लीकेशन डिफरेंट एरियाज़ में हैं। PCR is used for the detection of infectious agents, जिस तरीके से hepatitis B virus है, hepatitis C virus है, human immunodeficiency virus है, या और different तरह के viruses हैं, या bacteria है, या protozoans हैं, जो बहुत ज़्यादा minute microorganisms होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ultra microscopic microorganisms होते हैं, तो फिर उनकी normal तरीके से डिटेक्शन नहीं हो सकती है। तो उनकी डिटेक्शन के लिए पहले हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर एम्पलीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ PCR, और उसके बाद हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, वाटर एंड एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फूड सैंपल में ये चेक करना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है या नहीं है, या किसी वाटर सैंपल में, या किसी भी इन्वायरमेंटल सैंपल में, यानी कि सॉइल के अंदर आप चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप उस ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज़ करते हो, और PCR के थ्रू आप फिर उसका नंबर एम्पलीफाई करते हो और फिर आप डिटेक्शन करते हो। PCR इज़ यूज्ड फॉर जीनोम एनालिसिस। जीनोम कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म के A to Z तमाम के तमाम जीन्स को, जो भी उसका जेनेटिक मेकअप है उसको हम जीनोम कहते हैं। तो जीनोम की चेकिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल टॉपिक भी स्टडी करेंगे। तो कौन सा जीन मौजूद है, कौन सा जीन मौजूद नहीं है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये सारा हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PCR. PCR is used for generating markers for the construction of genetic and physical maps of organism. इस पॉइंट को हम अब यहाँ पे नहीं डिस्कस करते, ये डिटेल बात आ जाएगी इंशाल्लाह, हम इसको अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। PCR method can simplified DNA sequencing. DNA sequencing का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर जीन है उसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में अरेंज हुआ है, इसको हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। तो डीएनए सीक्वेंसिंग भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PCR, न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट को मालूम कर सकते हैं। PCR टेक्निक कैन एनालाइज द डीएनए सैंपल फॉर क्रिमिनोलॉजी, फोरेंसिक्स में इसका यूज़ है, क्योंकि हमें किसी सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट मिला हुआ होता है उस क्राइम सीन से, या किसी क्रिमिनल का हमें कोई बॉडी पार्ट मिला हुआ था, तो उसे फिर हम डीएनए को एम्पलीफाई कर देते हैं, फिर हम उसकी चेकिंग कर रहे होते हैं। PCR is used for DNA testing. DNA testing को हम DNA fingerprinting भी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म का DNA हम चेक कर सकते हैं, जो दो बंदों का DNA है वो आपस में resemble कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेरेंट्स और बच्चों का जो DNA है वो हम आपस में resemblance के लिए चेक कर सकते हैं, तो इसको हम DNA testing कहते हैं। PCR is used for the detection of genetic mutation in embryonic stages or in gametes. जो हमने कहा कि हम जो रिसेसिव जीन्स हैं, जो म्यूटेटेड जीन्स हैं, तो उनका उस बच्चे के पैदा होने से पहले ही पता चला सकते हैं, तो उसके लिए भी हम PCR का मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन को हम पहले से मालूम कर सकते हैं। देयर इज़ PCR बेस्ड cDNA सिंथेसिस कॉल एज RT-PCR, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR कहते हैं, फ्रॉम मैसेंजर RNA। हम मैसेंजर RNA से DNA भी बना सकते हैं, और उस DNA को हम कहते हैं cDNA। तो ये जो cDNA बनने का जो प्रोसेस है, इसके लिए भी हम PCR मशीन यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर उस किस्म के PCR को हम कहते हैं RT-PCR, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। तो हम मैसेंजर RNA भी बना सकते हैं इसी PCR के थ्रू। तो ये हमने डिफरेंट उसके एप्लीकेशंस पढ़ लिए कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम उसकी प्रेजेंस का पता चला सकते हैं, हम ऑर्गेनिज्म की जीनोम की एनालिसिस कर सकते हैं, जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, इसके अलावा हम जो है क्रिमिनोलॉजी भी, यानी कि फोरेंसिक्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, डीएनए टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम म्यूटेटेड जीन का पहले से पता चला सकते हैं उस बच्चे के पैदा होने से पहले ही, और इसके अलावा हम डीएनए से हम मैसेंजर आरएनए
से डीएनए को भी बना सकते हैं, और इस डीएनए को फिर हम बोलते हैं सी डीएनए, और इसके लिए फिर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया पीसीआर के पूरे प्रोसीजर को। हमने कहा कि एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जीन क्लोनिंग की जाती है, और इसके लिए हमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें टेम्पलेट डीएनए है, उसमें प्राइमर्स है, उसमें टैग डीएनए पॉलीमरेज़ है, और इसमें डीएनटीपीज है, और इसके लिए हमें एक मशीन की जरूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड एस पीसीआर मशीन या पीसीआर थर्मल साइक्लर। और इसके लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं, दैट इज़ डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो इस सारे स्टेप को फॉलो करके एक डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने जितना ऑर्डर उस मशीन को दिया हुआ होता है, जितनी कॉपीज बनाने का आपने उसको ऑर्डर दिया हुआ होता है, तो उतने कॉपीज बनाने के बाद वो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, और आपके पास उस पीसीआर ट्यूब के अंदर एम्प्लीफिकेशन हो जाती है उस पर्टिकुलर डीएनए की।